वाह यार, तब तो बहुत अच्छे कुक है। आपको तो 5 स्टार में जाना चाहिए। नहीं, मैं 7 स्टार में था पहले। 7 स्टार सुंदर 7 स्टार, वाह ग्रेट। वहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे कुकिंग करी है। कुकिंग और क्या किया आपने? और छोटा मोटा और मनीषगिरी कर ली। मनीषगिरी और क्या किया आपने? बर्तन धो लिए। बर्तन भी धोते थे आप? क्या हो गया तो? हाँ देखो, ये मतलब ये सच है, इनका बर्तन वगैरह एक टाइम कहाँ थे और आज कहाँ है। So hey guys, what's up? Welcome to new blog. This side been over my and you watching Mountain Explorer HP YouTube channel. तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा। और मैं चाहता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और शेयर बाद में करना, जब वीडियो देखोगे तो उसके बाद शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सीधा ले चलता हूं आपको अपने किचन की तरफ, और ये किचन है अपना, और यहां पे बर्तन वगैरह धो के रख दिए हैं, और यहां पे होने वाला है आज कुछ खतरनाक सीन ये होने वाला है कि आज बाबा जी खाना बनाएंगे। बाबा जी यानी कि हंसराज रघुवंशी। तो हंसराज रघुवंशी आज हमारे लिए खाना बनाएंगे, बहुत टाइम बाद। तो क्या बनाने वाले हैं सब कुछ बताएंगे आपको। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और बाबा जी के ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर जरूर करना। चपातियां बना के मैं अभी फ्री हो चुका हूँ, और अभी वे में आने वाले हैं बाबा वगैरह, तो वेट करेंगे उनका और बताएंगे आपको कि कैसा बनेगा खाना। ठीक है, ये बाबा जी तड़का लगा रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? हाँ, क्या बना रहे हैं? मैं सब्जी। कौन सी? जो होती है कौन सी? तो अभी बाबा बना रहे हैं सब्जी, और सब्जी का नाम है जो होती है। अब कैसी बनती है जो होती है सब्जी, तो दिखाएंगे आपको। ये तेल डाल दिया, बाबा जी बना रहे हैं। ये बैंगन का भरता, ये बैंगन निकाल दिए छिलके इसके। हाँ जी बोलो, क्या हो रहे हैं? बहुत भूख लगी है यार। अच्छा, भूख लगी है, जल्दी जल्दी बनाओ भाई। भाई साहब जल्दी जल्दी बनाओ यार, बन रहा है। देखो खाना बनाने में वक्त लगता है, कुछ अच्छा खाना हो तो सबर करना पड़ता है। इंसान दो कारणों से दुखी है आज के टाइम में, एक तो उनको समय से पहले चाहिए, और एक उनको तकदीर से ज्यादा चाहिए, कुछ कभी मिलेगा नहीं। मतलब जो इंसान पूरा दिन फ्री रहता है ना उसको तो भूख नहीं लगती, तो जो इंसान ऑफिस जाके घर आता है ना काम करके, हाँ, तो भूख लगती है। सही बोला, ये पूरा दिन रहता है बैठा हुआ, सोया हुआ रहते पूरा दिन। भाई साहब आप वो गाने कौन बनाता है? गाने तो टीचर बनाता है, रिक्की बनाता है, है? वाह यार वाह, वो बनाते हैं। आप क्या करते हैं पूरा दिन, क्या करते हैं? चलो आज तड़का लगा रहे हैं, कभी कभी मतलब ये बैंगन का भरता बनाते हैं। भाभी बोल रहे हैं सोते हैं, खाते हैं और डकारते हैं। चलो जैसा आपकी सोच, हाँ उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकते हैं। तो कल से बाबा कंटिन्यू खाना बनाएगा, है ना भाभी? एक टाइम खाना बनाएंगे, 2 दिन के लिए कराते हैं भाई, तो दो दिन तो मैं बना सकता हूँ। चलो कल से कंटिन्यू बनाएंगे आप ही खाना। ये देखो कैसे चेक हो रहा है, तेल डाला अभी सिर्फ, बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आप बैंगन का भरता बनाते हैं। पहले तो 3 मिर्चें लो, 3 मिर्चें, फिर तो थोड़ी सी क्या बोलते उसको, मेथी लो, फिर थोड़ा सा ये ले लो धनिया, उसको ऐसे क्रश कर लो, फिर आप थोड़ा सा ये ले लो जीरा ऐसे। अब आप इसको भी आ सकते हो साथ में, इसको क्या बोलते हैं? पत्ता। कैसा पत्ता? तेज पत्ता। अच्छा तेज पत्ता डाल दिया। यस। अब क्या डालना है इसमें? अब कुछ नहीं, अब बस अब इसके बाद आप इसमें प्याज डाल सकते हो। अच्छा प्याज, टमाटर तो आपको खुद करने पड़ेंगे अब। ये तो गलत कर दिए इन्होंने। तो थोड़ा सीन कर दिया बाबा ने यहाँ पे, जो पहले जो पेस्ट बनाया हुआ था अनियन और जिंजर गार्लिक और चिल्ली का, वो डालना था पहले, लेकिन बाबा ने फ्लो में वीडियो के चक्कर में ना वो उड़ गए, तो तेरे तो उड़ गए, तो वही सीन हुआ बाबा के साथ भी। और जो कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज था वो डाल दिया पहले, क्या कर सकते हैं, हो जाता है कभी कभी, तो हो जाएगा। टमाटर का
अच्छा टमाटर करो बाबा जी, ये टमाटर डालेंगे हम, उसमें नमक डालना जरूरी है। नमक की पहले क्यों डालते हैं? इसमें ना चिपक जाता है फिर नीचे प्याज। अच्छा जी, हाँ जी, खाना तो बना रहे हैं, खाना तो आप ही बना रहे हैं। चलो प्याज टमाटर काटो, मिर्च जल्दी काटी तो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हो। अच्छा एक्स्ट्रा मिर्च, थोड़ी और एक्स्ट्रा डाल दो, ज्यादा मिर्च मत डालना, थोड़ा सा धनिया, धनिया नहीं हल्दी बोलते इसको। बापी ने मेहंदी लगाई, देखो कितनी फीकी लगी। हाथ में दिख जाता नहीं, ये हिमाचल में ये प्रथा है कि अगर ऑल इंडिया, ऑल इंडिया में मतलब ये प्रथा है, मतलब कि इंडिया में ये प्रथा है कि हाथ में मेहंदी गाड़ी लगती है ना, तो मतलब इसका मतलब होता है कि पति बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो भाभी के हाथ में मेहंदी फीकी लगी है तो प्यार शायद कम है, पता नहीं अब क्या है, क्या करना मैंने? टमाटर आप करो, करो यार आप ही करो क्या सब कुछ? नहीं, नहीं, नहीं। हम तो खाएंगे सिर्फ, चेक करेंगे हम कि कैसा बना है। देगी मिर्च डाल दी आपने, अच्छा और ये क्या डाला? कुछ भी, है। कुछ भी। खड़ा मसाला नहीं, बैठा हुआ। अच्छा ये बैठा हुआ मसाला, पीसा हुआ मसाला, पीसा हुआ मसाला करो ना यार, टमाटर करो। नहीं आप ही करो भाई, मैं देख आ रहा हूँ किस तरह से आप खाना बनाते हैं। देखो फिर इसको ना, ये देखो टमाटर धोए तूने? हाँ धोए ना। हाँ अच्छा ये ग्राइंड करना है आपने? ये भी देखो भाई ऐसे करते हैं, देखो टमाटर को, अच्छा ऐसे इनकी पीस करते हैं। हाँ ये जल ना जाए तब तक आपका तड़का यहाँ पे। कितने टाइम बाद बना रहे हैं आप खाना? काफी टाइम बाद। कितने साल हो गए? कितने सालों बाद? एक दो तीन चार दिनों के बाद। तीन चार दिनों के बाद? अच्छा हाँ, लास्ट टाइम भी आपने शायद गाजर यही बनाया था है ना? यही बनाता हूँ, यही बनाता हूँ। बाकी और कुछ नहीं आता बनाना आपको? सब कुछ, सब कुछ। चलो तुम तो बहुत बढ़िया, देखते हैं टमाटर हो गए कि नहीं। हो गए, ग्राइंड हो गया है। अच्छा थोड़ा काम ना, तुमने थोड़ा गलत कर दिया काम ना। हाँ इसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे? टमाटर बहुत ही खतरनाक सब्जी बन रही है। देखो ये देखो, मतलब कि ग्रेवी इतनी ज्यादा बन गई, अब मुझे लगता है ग्रेवी खाएंगे, ग्रेवी। मुझे लगता है इसमें सब्जी डालने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो बन गई। पनीर डाल दो उसमें, पनीर डाल दो उसमें। भाई आप देखो, आप बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा। ऐसे करो, इसको भी ऐसे डाल दो, ग्रेवी ग्रेवी। ओए भाई ये ग्रेवी कपड़े भर दिया आपने मेरे तो। ओ यार ये ज्यादा ग्रेवी नहीं होगी? मेरे टमाटर की वजह से ना, मेरे टमाटर की वजह से। आपने तो चार बोला था, तो मैंने तो, आपने दो ही डाले, एक तो फिर भी निकाल दिया। हाँ मैंने तीन निकाले थे, आपने उसमें से भी एक निकाल दिया साइड में। अच्छा अब क्या करेंगे? अब हम इसको थोड़ा सा देते हैं ना, नमक हमने डाल दिया था शायद। अच्छा पकने के लिए डालेंगे थोड़ी देर, थोड़ा सा पकने के लिए। ठीक है और ग्रेवी हमने पकने के लिए रख दी है, थोड़ी देर के अंदर ये पक जाएगी और उसके बाद इसमें डालेंगे भरता, और भरता एकदम रेडी है। जो पानी है वो पानी निकल चुका है उसका सारा, जो भरते का पानी होता है तो उसमें पानी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सूखा चाहिए। ठीक है ये बन रहा भरता, ये देखो इस तरह बनता है इसका, मतलब छिलके वगैरह निकाल के है ना? यस ओके। कितना टाइम लगेगा अभी? दो मिनट। दो मिनट तैयार हो जाएगा दो मिनट में? वाह यार तब तो बहुत अच्छे कुक है, आपको तो फाइव स्टार में जाना चाहिए। नहीं मैं सेवन स्टार में था पहले, सेवन स्टार कंटेन एमएलएस उनका ले सुंदर है, सुंदर सेवन स्टार। वाओ ग्रेट, वहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे कुकिंग करी है। कुकिंग और क्या किया आपने? और छोटा मोटा और मनीषगिरी कर ली, मनीषगिरी। बर्तन धो लिए, बर्तन भी धोते थे आप? क्या हो गया तो? हाँ देखो ये मतलब ये सच है, इनका बर्तन वगैरह एक टाइम कहाँ थे और आज कहाँ है? कहीं भी नहीं, आज भी वही बर्तन ही धोते। तो मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ? ये ज्यादा हो गया यार, है ग्रेवी बहुत ज्यादा हो गई, वही बोल रहा था मैं। क्या ग्रेवी दिखा ना लोगों को? ग्रेवी दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ग्रेवी, ये आधी आधी से ज्यादा कढ़ाई तो ग्रेवी की होगी, यही तो मजा है ना। और देखो हम इसमें
तब्दील करेंगे पर उबल नहीं रही है। गैस कम है कि गैस तो फुल है, ये साइड में हुई है क्या? अब है सेंटर में, अब उबल रही है, अब उबल रही है, अभी भी साइड में है। अब है ना यार, आप मुझे लग रहा है कुकिंग भूल गए हैं। इंसान अपने औकात नहीं बोलता कभी भी, कुकिंग भूल जाता लेकिन। हाँ ये बोल सकता है, नहीं भूल जाता है, बात भी भूल जाता है। हाँ हर चीज भूल जाता है। नमक वो होगा मुझे लगता। हो गया ठीक है, और डालना पड़ेगा आपको क्योंकि अब ये भी इसमें ऐड होगा, बैंगन का भरता। काफ़ी स्मार्ट स्मार्ट दिख रहे हैं आप, क्या बात है। हाँ काफ़ी स्मार्ट दिख रहे हैं, वक्त स्मार्ट बना लेता है अभी भाई। है अच्छा, कभी कभी जब मुझे पुराना वक्त याद होता मैं रोटी बना लेता हूँ। हाँ और बर्तन वो भी धो देता हूँ मैं बर्तन जब पुराना वक्त याद आता है। हाँ चलो बहुत बढ़िया, पुराना वक्त याद करना बहुत ज़रूरी है। भाभी जी आप क्या कर रहे हैं? फेशियल वॉश। अच्छा फेस वॉश कर रहे हैं। ये क्या है, पानी घोल दिया है इसमें सारा, ग्रेवी ग्रेवी कर दी इसमें। बैंगन का भरता तो दिख ही नहीं रहा भाई, भी सूखेगा। बैंगन की क्वांटिटी बहुत कम है भाई, खा के लगेगा पता। रुक जाओ, इसमें टमाटर दिख रहा है, ये बैंगन कम, ये टमाटर भरता ज्यादा लग रहा है टमाटर भरता। भाई साहब आप कुकिंग भूल चुके हैं, आप गाने पे फोकस करें तो बेटर है ना। कल से रहने दो, आप सोए रहो, हम खाना बना। खाने के बाद बोलिए क्या सब। खाने के बाद बोलेंगे अब ठीक है। देखो मैं शक्ल दिखा देंगे ना समझते की, अब लोग सोचेंगे कमेंट में कि सच में अच्छा बना गया। देखो पहले मेरे को बनाने देखो आप। हाँ पहले बना लो आप। तो गाइस पहले बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट जो होता है, और उसके बाद खाएंगे, खाने के बाद भी बताएंगे कि कैसा बना था ठीक है। A few minutes later, ये देखो खाना बना दिया, ये बन गया बैंगन का भरता। तो दिखने में तो काफी अच्छा दिख रहा है, काफी लजीज दिख रहा है। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, दिखने में कैसा लग रहा है ठीक है। और ये लाया था बाहर से, ये क्या क्या मंगाया भाभी? कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर सैलेड। तो गाइस अब खा लेते हैं, पहले खाने के बाद बताएंगे कि कैसा लगा, कैसा बना था, सब कुछ बताएंगे ठीक है। अभी खा लेते हैं जल्दी से, बहुत जोर से भूख लगी है और टेस्ट करने का बहुत ज्यादा मन है कि कैसा बना है। तो गाइस अभी 10:30 हो चुके हैं रात के, और खाना वगैरह खा के सभी अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। और खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ज्यादा मतलब कि काबिले तारीफ था, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रूम पे मजा ना क्योंकि काफी खराब हो रखा है। तो अभी सो जाते हैं, बहुत जोर से नींद लगी है। और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। और कमेंट बॉक्स में जय शंकर महाराज जरूर लिखें। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू।